आप सभी का मंगल हो। साधना के लिए वैसे तो हर दिन साधना करिए, हमारे यहाँ 3 मुहूर्त बता रखे हैं। ब्रह्म मुहूर्त जो कि सन्यासियों के लिए 3 से 5 है, गृहस्थियों के लिए 4 से 5.5 है, फिर आता आपका संधि काल जो संध्या वेला गोधूलि वेला से लेकर सूर्यास्त तक है, फिर आता महानिशा काल जो कि बड़ा पावरफुल रहता है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद वही एक चीज चलती है, मतलब उसी के हिसाब से रात के 11:30 बजे से लेके और सुबह सूर्य उदय से पहले तक, बिफोर सनराइज, हर रोज करिए जो भी आपको समय उचित लगता है, रात का, शाम का, और कुछ नहीं, आपका जो भी इष्ट उसका जाप करिए। आप जो भी देवी देवता का बहुत अधिक मानते हैं, भगवान राम जी, श्याम जी, बालाजी, तिरुपति बालाजी, अय्यप्पा जी, सबरीमा, जो भी कुछ आपका है, दुर्गा जी, 10 महाविद्याओं में कोई भी एक देवी, भगवान कृष्ण जी, लला जी, मतलब आप जैसा भी, मतलब भगवान कृष्ण के बाल रूप लला जी, और क्या कहते हैं, बड़े बड़े स्वरूप में भगवान कृष्ण जी, ठीक है ना, आप जिस भी रूप, क्योंकि बाल स्वरूप केवल भगवान कृष्ण के लिए ही आता है, इसीलिए आप जैसे ही मानते हैं आप उसी रूप में आप भगवान को, आप उस दिन उस इस समय उन्हीं का जाप अधिक से अधिक करिए। लेकिन इसमें कुछ प्रमुख ऐसे ऐसे क्या कहते हैं त्योहार, तीज पर्व त्योहार आते हैं जिसमें कि आपको विशेष साधना के लिए उस समय कोशिश करिए कि रात भर जगने की, जितना अधिक से अधिक हो चुके आपका शरीर ना थके, नींद ना आए, तो उसके लिए पहले से दिन भर में थोड़ा और ज्यादा सो लीजिए, थोड़ा कम खा लीजिए, जिससे कि आपका रात का अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। आप किसी ऊट पटांग चक्करों में मत पड़िए कि मैंने ये वाला मंत्र करना, वो करना, इसका करना, आपकी जो भी मन में इच्छा हो। आप अपने मान लीजिए आप भगवान राम जी के हैं, आपने भगवान राम जी को बोला, हे भगवान राम जी, या विष्णु जी के, हे भगवान विष्णु जी, ये मेरी इच्छा, मेरी मनोकामना आप पूर्ण करें, बस अपनी इच्छा रख दीजिए, लिख के रख दीजिए, बोल के रख दीजिए, और आप उसमें जुड़ जाइए, आप वो जाप करते रहिए। बीच में क्या कहते हैं, एक हवन भी कर लीजिए। कौन से समय में, वो 5 विशेष पर्व है, उसके बाद फिर 2 नवरात्रे आते हैं साल में, वैसे तो 4 आते हैं गुप्त नवरात्र, लेकिन गुप्त नवरात्रों का क्या कहते हैं, हरेक को नहीं मालूम पड़ पाता है, तो कोई बात नहीं, ध्यान देंगे तो वो भी मालूम पड़ जाता है। तो अगर हम देखा जाए तो 4 नवरात्र, नहीं तो 2 नवरात्र तो सबको मालूम है, ठीक है ना। तो 2 नवरात्र गर्मियों के शुरू में आता है, अरे क्या कहते हैं, सर्दियों के शुरू में आता है, मोटे तौर पर अक्टूबर और अप्रैल। तो आप इस चीज पे गौर करके चलिए, हमें 2 नवरात्रे और प्लस में 5 मुख्य पर्व, महाशिवरात्रि, होली का दहन वाला दिन, आपका कहते हैं जन्माष्टमी, दशहरा और दीपावली, ये तो हमें छोड़ने ही नहीं चाहिए। इसमें तो जितना आप जाप करेंगे बैठ के, रात्रि को आप महानिशा काल, सूर्य निशा काल का 11:30 आप 11 बजे से बैठिए ना आराम से, कुछ नहीं, जैसे भी आपके घर में व्यवस्था या जहाँ भी आप शांति भाव से बैठ सकते हैं, कोई छेड़े नहीं, आप बस एक सिंपल एक एक साधारण जोत जला लीजिए। अगर आप जोत भी नहीं जला सकते तो कम से कम इतना है, कोई भी सुगंधित चीज कर लीजिए। अब मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं तो आराम से बैठ जाइए, बस आलती पालती मारिए, आपको कोई विशेष कोई आसन लगाने, मतलब कोई और कोई मुद्रा की जरूरत नहीं है, भावना मेरी ये है, अपना आलती पालती मारिए, आराम से थोड़ी सी कमर ठीक रखिए, सीधी सी, बहुत तनाव बनी हो, और बैठ के अपना जाप करिए, जो भी आप इष्ट का जाप करते हैं। आप भले ही ओम नमः शिवाय शिव जी के भक्त हैं, आप राम जी के भक्त हैं, ओम राम 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 राम, आराम से, ठीक है ना। अब जिसके भी हैं आप उनका जाप करिए, बीच में गायत्री हवन कर दीजिए, अच्छा रहेगा। गायत्री मंत्र लगभग मैं मान के चलता हूँ सबको ही आता है, ठीक है ना, या अगर आपको और किसी मंत्र का हवन करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र तो सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है, तो इसका तो करना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी इतनी बढ़ेगी जिसका कोई हद नहीं है। और क्योंकि इन दिनों में विशेष तौर पर हर तरह की ऐसी क्या कहते हैं नक्षत्र ग्रहों की ऐसी युक्ति बनती है कि विशेष तरंगे पृथ्वी पर आती हैं, और वो विशेष तरंगे हमारे 5 तत्वों को प्रभावित करती है। 5 तत्वों को प्रभावित करने का मतलब क्या होता है, वो प्रकृति के अंदर ही 5 तत्व होते हैं, उसके अंदर आपकी कृषि भी आ गई है, खेती वगैरह एग्रीकल्चर भी आ गया, हमारा शरीर भी आ गया, पर मतलब प्राणी जगत, मानव जगत सब आ गए इसके अंदर, जड़ चेतन सजीव निर्जीव और सब कुछ आ गया इसके अंदर, वो सबको प्रभावित करती है। लेकिन हम मानव हैं, बुद्धिमान हैं, तो हमें इनको कैसे क्या कहते हैं पॉजिटिव अपने अंदर लेना है, अपने को और अच्छा बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। शक्तिशाली का मतलब ये है कि अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ानी है, ठीक है ना। तो आप करिए, और मानव जीवन के अंदर छोटी से बड़ी समस्याएं भी होती हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं भी होती हैं,
तो आप उसके लिए क्या कहते हैं, बस अपने उसी इष्ट का अधिक से अधिक करेंगे तो आपका वो मंत्र जपन सशक्त हो जाएगा। फिर ध्यान देना, आप खाली ओम ओम एकाक्षर मंत्र करते हैं तो वो बीज मंत्र है, आप राम 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 भी करते हैं बीज मंत्र। इसको आप ये मत सोचिए क्या है जी खाली राम राम तो हम बोलना भी करते हैं, अरे नहीं, जब आप भाव पूर्ण करेंगे तो इसका प्रभाव कुछ और ही होता है, इस बात पे गौर करिए। तो जो भी आपका इष्ट, मैंने कहा ना जो भी इष्ट आपका देव, इष्ट का मतलब जो भी देवी देवता को आप मानते हैं, अधिक से अधिक करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। हमें कभी भी इन त्योहारों के लेकर किसी प्रकार की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, नुक्ताचीनी छींटाकशी नहीं करनी चाहिए। हमें बस अपने ही घर के अंदर या अपने एकांत में जहाँ पे हमें कोई छेड़े नहीं, अपना जाप पे अधिक ध्यान देना चाहिए। संभव हो सके जोत जला के करें, कुछ अगरबत्ती वगैरह सब कुछ जला के, धूप आदि जला करें। कुछ भी संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, बैठ के करें, आसन जरूर होना चाहिए। और साथ में हाँ ये जरूर है कि कई बार लोग पूछते हैं मुंह किस तरफ करें, तो मुंह देखिए वैसे तो सूर्यास्त से पहले तक तो पूर्व की तरफ होना चाहिए, ठीक है ना, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। उसके बाद जो मुंह होगा वो आपका मुंह, एक मैं कॉमन बता रहा हूँ आपको, मैं कॉमन जो कि मतलब आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाए बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। उत्तर हमेशा ही अपने भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ रहा, ठीक है ना जी। उत्तर पे मुख करके बैठने में तो आपका 24 घंटे में कभी बैठ सकते हैं, ठीक। तो इस चीज़ का भी गौर कर लीजिए, और नहीं तो एक साधारण सा नियम कर लीजिए, अगर आप बिल्कुल भावपूर्ण है तो आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा, आप भावना से अगर चल रहे हैं, बस केवल भगवान के प्रति ध्यान है, श्रद्धा है, भाव विवल होकर कर रहे हैं, तो ना तो आपको दिशा का ध्यान रहेगा, ना आपको अगरबत्ती का ध्यान रहेगा, ना और किस चीज़ का ध्यान रहेगा। बस आपको तो ये रहेगा मेरा मंत्र नहीं छूटना चाहिए, भगवान मेरी आंखों से ओझल नहीं होने चाहिए। इस चीज़ पे गौर करिए आप। मंगल कामना, नमस्कार।